बिहार के गोपालगंज जिले में तेज आंधी और ओले के साथ बारिश ने खेतों में लगी गेहूं और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। नुकसान के साथ गेहूं की कटनी एवं दौरे पर भी बारिश द्वारा ब्रेक लगा दी गई है। आज रविवार सुबह 4 बजे से 2 घंटे तक लगातार बारिश ने सड़कों पर भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इन दिनों की बारिश के बाद अन्नदाताओं के माथे पर सिकन बढ़ गया है। तेज हवा चलने के कारण आम की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर गोपालगंज के जिला कृषि पदाधिकारी वेद नारायण सिंह की एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें कृषि अधिकारी ने एक किसान से मोबाइल पर बात करने के दौरान कहा कि जिले में गेहूं की पैदावार बंपर हुई, लेकिन अनुदान लेने के लिए तैयार फसल को नहीं काट रहे किसान, इसलिए बारिश में हो रही है फसल बर्बाद। देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से पहले से ही किसान काफी हताश और परेशान है। इसी बीच हुई बारिश ने किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है। किसान किसी तरह जल्दी जल्दी फसल की कटाई करने की तैयारी में लगे थे, उसी दौरान बेमौसम बारिश ने उनके किए कराए पर पानी फेर दिया। गेहूं भीगने से कटनी 4-5 दिन बाद ही संभव हो पाएगी। जिला का खत्म हो गया। गोपालगंज का आदमी एकदम हाथ पर हाथ रख के 4 गो ब्लॉक का बैठा हुआ है। उसमें आपका फुलवरिया है, कुछ कुछ कोचराकोट है, फिर जाकर के उधर भोरे में भी बैठा हुआ है। अरे आप लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, आप लोगों को नहीं बुझा रहा है? तो सर आखिर काटने का साधन उपलब्ध होगा तभी तो काटेंगे। काटने का साधन उपलब्ध होगा तभी तो काटेंगे। हम तो इंतजार करेंगे नहीं बारिश में, देख रहे हैं। बाकी ये बगल सिवान में कटिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, छपरा में लगभग कम्प्लीट हो गया, दूसरा जिला तो खत्म हो गया कहिया। यहाँ का आदमी अनुदान लेने के लिए गेहूँ खड़ा करके बैठा हुआ है। हे भगवान, इतना बढ़िया गेहूं हुआ है, आज तक ऐसा गेहूं हुआ था? बताइए, आप ईमानदारी से बताइए। सर हम लोग का तो 8 से 10 किलो कट्ठा निकल रहा है। 8 से 10 किलो मैंने, आप ही किसान हैं, हम लंदन में रहते हैं। 8-10 किलो हमको कहीं गिनवा दीजिएगा ना, हम नौकरी रिजाइन कर देंगे। अरे सर वो तो मैं कह ही रहा हूँ, 50% खड़ा आके आप चेक कर रहे हैं। इस साल जो गेहूं हुआ है, ऐसा गेहूं 10-20 साल में नहीं हुआ था। अब ही कहिए कि इधर जो कल परसों बारिश हुई है उसमें कुछ लोगों का नुकसान हुआ है। हम लोग ये आप जानते हैं कि नहीं कि हम लोग क्रॉप कटिंग भी कराते हैं जी, और 30 क्विंटल, 32 क्विंटल, 40-40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ है। 2.5 एकड़ में 40 क्विंटल गेहूं हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है जी। कह रहे हैं कि 10 किलो हो रहा है, ऐसा नहीं है। अनुदान देना अलग का बात है, समझ रहे ना, लेकिन ईमानदारी से आदमी को बोलना चाहिए। कहीं सर ये बताइए, आप ईमानदारी से कह रहे हैं, अनुदान आप अनुदान आप कितना दे देंगे? कितना अनुदान दे देंगे आप? जितना लागत उतना अनुदान आप दे देंगे? तो हम कह रहे हैं, हम क्या बोले आपको कि काहेल अनुदान के चलते? आप गलत बोल रहे हैं कि अनुदान के लिए हम लोग फसल खड़ी रखे हैं, ये बात आपने गलत बोला है। ये नहीं हम बोल रहे हैं, हम नहीं, आपने इससे पहले बोला है कि अनुदान के लिए हम लोग फसल नहीं कटवाए हैं। हम कह रहे हैं कि अनुदान पे जितना जोर दे रहे हैं वो कटिंग करा लेते तो आपने कहाँ से कटिंग, अपने कहाँ से कटिंग कराया जाए? हम लोग बारिश के लिए रखा गया है, बारिश के लिए रखा गया नहीं, कटिंग हम लोग बारिश के लिए हम लोग रखे हैं कि बारिश हो जाए तब हम कटिंग कराएंगे? ये कहाँ हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जल्दी कटिंग आप लोग खत्म करा दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको भेज भी दूंगा, मैं 10 दिन पहले खेत कटिंग हुई है बारिश होने के पहले, और इतना ही अनाज निकला है, मैंने मेल किया है डीएम साहब को भी, मेल किया था, आपका नंबर संजोग से नहीं था मेरे पास, और सीएम साहब को भी मेल किया। तो ये मैं भाग रहा था क्या कि 10 दिन बाद बारिश होने वाला है कि मेरा इतना होना है? विभाग जो है कटिंग कराया है वो 40। सर मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं प्लाट का टॉप 3 किसान हूँ, मैं हो सके टॉप 10 भी हो सकता हूँ, लेकिन टॉप 3 किसान हूँ मैं, वो बात कर रहा हूँ। पर ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा, आप कितना अनुदान दे देंगे? आपके मैं बोला हूँ 25 बीघा गेहूँ, आप कितना अनुदान दे देंगे? 16 लाख आप अनुदान हमको देंगे, बड़ा अनुदान देंगे, 10,000 रुपये आप अनुदान दे देंगे, 10,000 तो मेरा 2 लाख लगा है निकल जाएगा। हम क्या बोले हैं, यही ना बोले हैं कि आप लोग कटिंग? नहीं नहीं, आपने गलत शब्द बोला है कि हम अनुदान पाने के लिए, नहीं नहीं, हम अनुदान पाने के लिए हम फसल रखे हैं, हम काट नहीं रहे, आपने गलत शब्द का प्रयोग किया। हम नहीं, आप उल्टा समझ रहे हैं। तो बात नहीं, आपने देखिए आपकी बात, मैं आप कहा है, आप भले बात से पलट जाए, आपने कहा है कि आप लोग अनुदान पाने के लिए 4 लाख के लोग अपनी फसल को अभी तक नहीं काटा है। हम बोले अनुदान कितना है आपको लार देगा जी, उससे ज्यादा आपका लॉस हो रहा है। क्या किया जाए ये बताइए, क्या किया जाए, किसको कैसे काटा जाए, आप तरीका बता दीजिए काटने का। आपका तो कह दिए ना कि आपका तो 10 दिन पहले ही कटिंग हो गया। नहीं नहीं,
दस दिन में सब एक ही बार थोड़े कटिंग हो गया है, दस दिन में शुरुआत एक ही बार थोड़े हो जाता है। आपका 10 केजी निकला तो हमको लगता है कि जिला में आप ही का सबसे कम हुआ होगा। नहीं, मैंने पूरे ग्राम सभा की मैं बात कर रहा हूँ, आप ग्राम सभा चेक कर लीजिए, मैं पूरे ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ। संजोग से मैं पूर्व प्रतिनिधि भी, संजोग से सर मैं पूर्व प्रतिनिधि भी हूँ, इसलिए कि गांव की पूरी रिपोर्ट हमको मिलती है। आप बात सुनने के लिए तैयार रहिएगा तब ना। जी बताइए, 234 पंचायत में हम लोग क्रॉप कटिंग कराए हैं, कहीं 10 किलो नहीं आया है। अब 10 किलो अब क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पंचायत में 50% से ऊपर फसल खड़ी है, आप कोई प्रतिनिधि भेज दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ के लिए मैं तैयार हूँ। फुलवरिया में काहे नहीं हो रहा हार्वेस्टिंग, हम तो कह ही रहे हैं। जी हम तो कह ही रहे हैं कि फुलवरी, हम तो बोले कि दूसरा बैकुंठ में चाहिए, 80-90% हो गया। नहीं नहीं ठीक है, एक चीज बताइए, ठीक है तो अगर नहीं हुआ है जिस ब्लॉक में, ये बताइए कि पूरे इंडिया में अगर फुलवरिया गांव में अगर केवल यहीं पे अगर ब्रज पास हो तो क्या आप सेवा नहीं देंगे वहाँ? नहीं नहीं आप सेवा नहीं देंगे अगर पूरे, नहीं नहीं पूरे इंडिया में अगर केवल फुलवरिया में ब्रज पास हो तो वहाँ आप सेवा नहीं देगी सरकार की, बाकी जगहों पर नहीं हुआ है? नहीं देगी। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, तो आप अधिकार है तो आप आकर देखिए, आप प्रतिनिधि भेजिए। नहीं नहीं मैंने आपको मेल भी किया है, आपको प्रतिनिधि भेजिए, आपको मैं मैसेज भी किया हूँ, नंबर भी भेजा हूँ, आकर आप भेजिए। ऐसा भी नहीं कि मैं अभी कटा लूंगा, आज मौसम भी खराब है, आप जिस दिन मैं आपको लॉस में जाएगा वो सबको मुआवजा मिलेगा। हम लोग सर्वेक्षण के लिए भेजे हुए, आपको नहीं पता इसीलिए आप बोल रहे इतना। नहीं आपने इससे पहले कई बार ये बात नहीं कहा है कि मैंने भेजा है, आपने ये बात नहीं बताया है कि मैंने ऑलरेडी भेज रखा है, इतनी बात होने के बाद आपने भेजा है। ऑलरेडी मैसेज सबको दिए हुए, पूरा जिला में दिए हुए, आप इसके ब्लॉक में नहीं, और कई ब्लॉक से रिपोर्ट भी आ गया। जी जी ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि विभाग सोया हुआ है। नहीं ना अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम है भाई कि जागरूक किसान और प्रतिनिधि के नाते मैं आपके पास मैसेज देना मेरा काम है, और उसके आगे की कार्रवाई तो आपका करना काम है, मेरा तो है नहीं, मेरे हाथ में है नहीं। नहीं नहीं हम लोग भेजे हुए हैं, ऑलरेडी कहे हुए हैं कि जिनका लॉस हुआ है उनका आकलन करके आप लोग भेजिए, सरकार का जो प्रावधान है उनको मिलेगा। ठीक है ना, उसमें किसी के पॉकेट से नहीं जाएगा, ये आप ही का हक है, आप ही का पैसा आप ही को मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए निश्चिंत रहिए और सर्वेक्षण के लिए हाँ थोड़ा सा तत्पर होकर के कि आपका छूटे नहीं, ये ध्यान रखिए। ठीक है सर, ठीक है सर। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, गोपालगंज, बिहार।